थोड़ा थोड़ा उड़ीसा में बोलो ना कुछ बढ़िया। उड़ीसा तक भी देखो दोस्तों, उड़ीसा तक भी हमारे फैन फॉलोइंग। तो दोस्तों अब आपको बताने वाले हैं जो गिफ्ट हमारे लिए भेज रखा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज मेरे लिए आ रखा है एक सरप्राइज गिफ्ट, यानी बहुत ही मैं बहुत खुश हूँ यार कि किसी ने मुझे इतने दूर से यानी हैदराबाद से बर्थडे गिफ्ट भेज रखा है और मैं काफ़ी खुश हूँ। तो दोस्तों मुझे जाना है छोटी वाली ताई के घर पे, क्योंकि भैया हम जो हमारे बड़े भैया हैं वो रहते हैं हैदराबाद, तो उन्हीं के पास किसी सब्सक्राइबर ने मुझे बर्थडे गिफ्ट भेज रखा है। और वो बर्थडे गिफ्ट क्या होगा मैं आपको आगे बताऊँगा, मुझे भी नहीं पता है कि क्या चीज़ है। बस भैया का कॉल आया था कि तेरे लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट आ रखा है, किसी सब्सक्राइबर ने भेजा है। तो यार मैं तो बहुत खुश हूँ, और खुश क्यों नहीं होना है क्योंकि इतना मतलब लोगों ने इतना प्यार किया है और हैदराबाद से काफ़ी दूर से यार वो भी मेरे लिए एक गिफ्ट आ रखा है। तो देखते हैं यार क्या हो सकता है वो गिफ्ट। अभी मैं रेडी हो रखा हूँ, मैं जा रहा हूँ ताई लोगों के घर पे। तो ये मेरा घर है पीछे, अब मुझे जाना है नीचे गांव में। तो दोस्तों करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपका एक और नए ब्लॉग यानी मिस्टर भंडारी ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी सुबह के 9 बज गए हैं और धूप भी हल्की हल्की लगी हुई है, काफ़ी प्यारा मौसम हो रखा है। तो दोस्तों मौसम की बात करें तो काफ़ी प्यारा मौसम हो रखा है, एक भी बादल नहीं है सामने और सूर्योदय इधर तक पहुंच गए हैं। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, अब मुझे जाना है गांव में नीचे, यानी बड़े ताई का घर है नीचे गांव में, तो उधर ही चलते हैं अभी। तो दोस्तों मैं निकल गया हूं गांव की ओर, चलो भाई गाँव में नए नए मेहमान दिख रहे। हेलो 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 कर दो, 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 कर दे भाई के साथ हेलो। अति दी का है अंग्रेज, वो कहा है सरमारी, वो सरमारी सरमारी हो। यहाँ से कपड़े धोए जा रहे हैं देख रहे हो आप, पैन नहीं होना चाहिए तुम, जरूर धोना चाहिए तब तो माध्यम पैन नहीं होना चाहिए, पूरा पैन खत्म तुम कह देना चाहिए। यहाँ दुई दिन में झूठा भी गया एक पैन नीच गधेरा रहा, तुम उल्ले जान से, तुम उल्ले जान से गधे रहे। चलो भाई दोस्तों गाँव की ओर, और हाँ गाड़ा गाँव चमा को उन्होंने काफ़ी खूबसूरत मौसम हो रखा है आप देख सकते हो यार। तो चलो भाई चलते हैं, चलो भाई। यहाँ पर एक दादी रहती है, और वो दादी क्या कर रही है, दादी से मिलाते हैं यार आपको। आप बोलते हो ना दादी दादी, वो सारे बोलते हैं मुझे बाबू नमस्ते। ये देखो बूबू के साथ एक वीडियो और हो जाए बूबू के साथ। तो दोस्तों मैं आपको मिलाता हूँ दादी से। है भाई हाय गाइस, हाय गाइस, चल इधर आ सफाई कर ले तू, हम दादी से मिल रहे हैं। अबू नमस्ते, ठीक जी हैं, नाश्ता कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं ये दादी है ना 105 साल की, अब तो 105 से भी ज़्यादा हो गए हैं। नाश्ता कर रहे हैं, खाना खाया है, अरे घाम तापा है, ओ तापा तापा, हाँ ओ चलो तो बाय। अभी बीड़ी है, अभी नीचे है वो बीड़ी, बाह में लो ला, ओ अभी नीचे बीड़ी। तो दोस्तों ये दादी थी ना हमारे गांव की सबसे ओल्ड दादी है, 105 साल से भी ज़्यादा। तो दादी मुझे बोली थी बीड़ी दे दे, मेरे पास तो बीड़ी है नहीं। तो चलो भाई अभी चलते हैं गांव की ओर नीचे। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ गांव की ओर, और सामने जो घर दिख रहा है जिस पे वाइट कलर का दिख रहा है उसके पीछे है ताई लोग के घर, और सामने हरियाली आप देख सकते हो काफ़ी प्यारी लग रही ना, और सामने ये हमारा मार्केट है, मैंने बहुत बार आपको बता रखा है वीडियो में। तो दोस्तों ये हमारे गाँव का रास्ता, और यहाँ पर सबसे पहले जो रास्ते से शुरू होता है माँ भगवती का मंदिर। तो ये है हमारे गांव का माँ भगवती का मंदिर, आप देख सकते हो काफ़ी प्यारा है, जय माँ भगवती, ये रहा। और मुझे जाना है इस वाले रास्ते पे। तो सबसे पहले शुरू होता है हमारी दादी का घर, तो यहाँ पर रहती है दादी अकेली बुढ़िया, और आजकल दादी घर पर है नहीं। बाबू को ताला लगाए, ताला हाय नमस्ते। भाभी जा रही है मिठाई लेके, क्योंकि बड़े भाई घर आ रखे ना, मिठाई तो है, है मेरे लिए कहाँ है, घर पे है भाई के लिए बोला, घर पे है, चलो भाई। चलो दोस्तों आ गया मैं ताई लोग के घर पे। तो ये है हमारी बड़ी ताई का घर, यानी मेरी छोटी ताई का घर। ये देखो भाई हमारा पुराना घर, ये देखो इधर पहुँच गए, इधर बड़े भाई आ रखे घर, ये देखो भाई नमस्ते। अब भाई की ड्यूटी पहले ही लगा रखे है, बर्तन धोने की क्या है, है? नहीं लगे नहीं, आजकल तो घाम दे दे भाई नमस्ते।
सब बढ़िया बस। तो ये हैं भाई जी जो घर आ रखे आजकल। तो गट्टू भी फरी है, गट्टू आज घराट कर रहे थे घराट। और ताऊ जी हैं, और ताऊ जी बन गए हैं दादाजी। ताऊ जी बधाई हो, तो मिठाई खिलाओ। अब दादाजी बन गए, तो हम भी बन गए चाचा जी, भैया भी चाचा जी बन गए। भाई को भी बधाई हो। तो जो इनसे बड़े भाई हैं उनकी और की है बिटिया, यानी हमारी भतीजी। गट्टू तो भी बन गया भाई चाचा, बधाई हो तुझे भी, एक भतीजी हो गई है। तो गट्टू घराट जा रखा था, अभी आ रखो घराट से। तो अभी हम पहुंच गए हैं ताईलो के घर पे, और अभी आपको जो सरप्राइज है वो बताते हैं। ये देखो, ये है ताऊ का घर। लंच हमारा इधर ही होने वाला है। भाई के पास भेज रखा है वो गिफ्ट, और कौन किसने भेज रखा है वो? आकाश। आकाश मतलब किसके थ्रू? आकाश पानीकर है, वही के हैदराबाद की है क्या? हैदराबाद नहीं, उड़ीसा का रहने वाला। उड़ीसा? अरे तब तो बात करने में बढ़िया मजा आएगा उड़ीसा वाले से। तेरा व्लॉग देखते रहता हूं। हैं, हमारे सब्सक्राइबर है। अच्छा, अब भाई भी बनने वाले हैं पापा, तो हम फिर से बनेंगे चाचा। तो दोस्तों घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो बड़े भैया की तो हो गई है बिटिया, और ये हैं छोटे भैया, ये भी बनने वाले हैं पापा, तो हम फिर से बनेंगे चाचा। तो खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है घर पे, तो बस ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना। तो दोस्तों अब आपको बताने वाले हैं जो गिफ्ट हमारे लिए भेज रखा है भाई ने। देखिए, वाह यार काफ़ी प्यारा लग रहा है यार। मैं ही हूँ क्या? देखो तो बढ़िया लग रहा है ना। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतने दूर से आपने मेरे लिए स्केच भेजा है, वही बना के। आपका प्यार और धन्यवाद यार आपके लिए जरूर। तो दोस्तों ये वाला गिफ्ट आ रखा है मेरे लिए, गिफ्ट हमारे लिए भेज रखा है हैदराबाद से, काफ़ी दूर से यार, देख सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू भाई आपका। आप ब्लॉग देख रहे होंगे तो दिल से आपका धन्यवाद। काफी प्यारा लग रहा है यार। पीछे मेरी गर्लफ्रेंड भी बना रखी क्या? पीछे मेरी गर्लफ्रेंड भी है क्या? तो भाई के पास भेजा था, ये है भाई, हैदराबाद रहते हैं। कहाँ के हो? उड़ीसा। उड़ीसा बात करें उनसे, फोन मिलाओ ना। फोन लगाएंगे, फोन लगाओ, बात करते हैं। दोस्तों अभी हम कॉल लगा रहे हैं भाई को, थैंक यू बोलेंगे। उठाएगा तो। हेलो हेलो आकाश भैया, क्या हाल है? कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। मैं पहुंच गया था कल सुबह। यार ए, भाई चंदन एम आर भंडारी बात कर ले। हेलो, थैंक यू भाई, आपका गिफ्ट पहुंच गया मेरे पास। बढ़िया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा गिफ्ट भेजा है आपने। अच्छा लगा क्या? हाँ बहुत अच्छा भाई, लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे किसी ने इतना प्यारा गिफ्ट भेजा है। हाँ अच्छा, आप मेरे ब्लॉग देखते हो क्या डेली? ब्लॉग देखते हो क्या मेरी? अच्छा, कहाँ से हो आप? उड़ीसा से। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ब्लॉग देखना ठीक है, ये वाला ब्लॉग देखना, ये वाला कल। नाम क्या है आपका? आकाशवाणी भाई। आकाशवाणी भाई। अच्छा थैंक यू। थोड़ा उड़ीसा में बोलो ना कुछ बढ़िया। हमारी वीडियो कैसी लगती है उड़ीसा में बताना? पूरा भोल लागे छे। बहुत बहुत थैंक यू। उड़ीसा तक भी देखो दोस्तों, उड़ीसा तक भी हमारे फैन फॉलोइंग। चलो चलो बढ़िया है, अच्छा लगा आपसे बात करके भी। तो दोस्तों ये वाली स्केच बना रखी है भाई ने, ये देखिए ये वाले, और ये हम देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, ये देखो। थैंक यू यार इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। दोस्तों मैं ताऊ को बता रहा हूँ, ताऊ पहचान नहीं रहे, फिर ताऊ को बोलता हूँ कौन है। देखो
मेरे फोटो मेरे जाना क्या पर नहीं भाई ये बाल दाब बाल ध्यान का मेरे है कोई लेता क्यों नहीं जान पक्का पक्का नहीं तो नहीं जा रहा पक्का पक्का भाई नहीं बोला बना दिया था उत्तराखंड के सबसे बड़े यूट्यूबर वाले कहाँ यार हम तो मिला मुझे आज तो चलो आज का लंच तावलो के घर ही है तो लंच की तैयारी हो गई है तो लंच करते हैं और चलते हैं लंच में आज क्या बनने का स्पेशल बताते हैं आपको भाई ने बना रखा है आज स्पेशल लंच हमारे लिए क्या बना रखा है भाई आज चिकन आज पार्टी होने वाली है पार्टी तो आज पार्टी में है हमारे पास चिकन।